अब रुख करते हैं लारकाना का, जहां पुलिस की मदद क्यों की। तीन डाकुओं की हलाकत का बदला लेने के लिए साथी डाकुओं ने अंधाधुंध फायरिंग करके दो देहातियों को कत्ल किया जबकि चार को जख्मी कर दिया। मुसल्ला डाकुओं ने तहसील मीरू खान के गांव प्यारो मक्सी में दावा बोलकर जरई जमीन पर खाना खाते देहातियों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में छह बच्चों के वालिद सैफुल्ला और दो बच्चों के वालिद नतीम खोसू मौका पर ही दम तोड़ गया, जबकि चार देहाती तफीफ अली खोसू, शिराज अली खोसू, निजाम अली ब्रोही और करीम जतोई शदीद जख्मी हुए, जिन्हें जख्मी हालत में चांडका हस्पताल के शोबा हादसा मुंतकिल कर दिया गया, जहां उन्हें तिबी इमदाद दी गई, जबकि मकतूल के नाशों की पोस्टमार्टम मीरू खान अस्पताल से करवाने के बाद वर्सा ने नाशे ट्रैक्टर ट्रॉली पर लारकाना मुंतकिल करके एसएसपी चौक पर नाशे रख कर धरना दिया, जहां उन्होंने शदीद नारेबाजी भी की, जबकि एहतजाज के बायस आने जाने वाली ट्रैफिक जाम हो गई और शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस मौका पर मकतूल के वर्सा जुल्फकार खोसू, हबीबुल्ला खोसू, जावेद खोसू और दीगर का कहना था कि चंद माह कबल मोटरसाइकिल छीन कर फरार होते डाकुओं का ताकुब करने वाली पुलिस एहलकारों के साथ मुकाबला हुआ, जिसमें देहातियों ने पुलिस की मदद भी की, जिसका डाकुओं ने बदला लिया, लेकिन पुलिस ताहाल कातिल डाकुओं को गिरफ्तार करने में सुस्त रवि का मुजाहिरा कर रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि डाकुओं को गिरफ्तार करके इंसाफ फराहम किया जाए। दूसरी जानिब हद के थाना सिविल लाइन की पुलिस ने पहुंचकर मुजाहिरीन को इंसाफ की यकीन दहानी करवाई। वाजिया रहे कि चंद कबल डाकुओं की फायरिंग में पुलिस एहलकार शहीद होने के बाद लारकाना और कंबर पुलिस ने तीन डाकू हलाक किए थे।